नमस्कार सुधीर जी, अशोक जी, मेरे फेलो जूरी मेंबर्स और मीडिया के साथियों को मेरा स्वागत। मैं कहानियाँ लिखती हूँ, लेखक हूँ, तो हर वक्त कहानियों की खोज में रहती हूँ। और मुझे याद पड़ता है जब मेरी पहली किताब निकली थी, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, तो दो तीन दिन रिलीज़ होने के बाद एक ईमेल आया जिसमें सब्जेक्ट लाइन था, आई रेड योर बुक एंड आई क्विट माई जॉब। मतलब उन्होंने मेरी किताब पढ़ी और उतने उनमें जोश पैदा हो गया कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी और बोले मैं अपना खुद का कुछ करूँगा। और पिछले 10-12 साल में ऐसे मेरे पास हजारों ईमेल आए हैं। तो मुझे तब उस दिन पता चला कि कहानियों में कितना दम होता है, कि किसी और की कहानी पढ़ के शायद अपने अंदर जो एक सोया हुआ सपना है वो जाग जाता है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने उनके अंदर वो सपना उत्पन्न किया, वो उनके अंदर था, लेकिन वो किताब एक तरह से ना एक मैचस्टिक की तरह, एक तीली की तरह थी जिसने उन्हें भड़का दिया, उन्हें एक हिम्मत दी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। क्योंकि मैं मतलब मैं ऐसे लोगों के बारे में लिख रही थी जो आपके और मेरे जैसे हैं, जो मिडिल क्लास से आए हैं, जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास कोई गॉडफादर नहीं था। हाँ, एक अंदर चाह थी, नॉलेज थी और हिम्मत थी कि चलो ट्राई करते हैं। लेकिन वो पहली किताब थी MBAs के बारे में, वो भी IIM अहमदाबाद से। तो फिर मुझे लगा शायद थोड़ा गलत मैसेज जा रहा है कि आपको MBA होना चाहिए। तो दूसरी किताब मैंने लिखी थी कनेक्ट द डॉट्स, जो बिल्कुल अपोजिट थी, जो मतलब जिसमें किसी की वो क्वालिफिकेशन के ऊपर कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। आप ग्रेजुएट हो, 10th पास हो, फिर भी आप बिजनेस कर सकते हो, ओके? तो उस किताब का हिंदी में अनुवाद हुआ था 0 to Hero। तो इस तरह मुझे लगता है कि पिछले 10-12 सालों में मैंने जब भी कोई किताब लिखी, मैं ये सोच के लिखती हूँ कि ये पढ़ के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब उनके अंदर अगर इच्छा जागी कि हाँ मैं भी कुछ दुनिया में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो दैट इज़ द बिगेस्ट रिटर्न फॉर मी। वो किताबें कितनी बिकी उसका मुझे इतना मायना नहीं है। तो मुझे लगता है ये भी इस शो का भी यही एक सबसे बड़ा फीडबैक है कि ये कहानियाँ देखकर, इनको सुनकर, मंच पे जो लोग आएंगे, लोगों को लगेगा कि ये बंदा या ये पर्सन, ये लेडी मेरे जैसे ही है। हमारे शो में आए हैं लोग लखनऊ से, पुणे से, मिर्ज़ापुर से, तेलंगाना से, कर्नाटका से, तो मतलब भारत के हर कोने कोने से आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब सब लोगों ने ई कॉमर्स की कंपनी खोल ली। आजकल ज़्यादातर वही पढ़ने में आता है कि भाई कुछ बेच रहे हैं ऑनलाइन। हाँ बेच रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे मेहनत भी कर रहे हैं। आई थिंक एक दो दिन पहले एक आए थे शख्स जो 3,000 रुपये से शुरू होकर उन्होंने अब 3.5 करोड़ का बिज़नेस बनाया है और क्या कर रहे हैं, अंजीर बेच रहे हैं और उसका मतलब प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। और बहुत सारे जो वहाँ के किसान लोग हैं उनके साथ मिलके, सिर्फ अपना ही भला नहीं पर जो बाकी उनके एरिया में जो लोग फार्मिंग करते हैं उनका भी भला हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हर कम्युनिटी में, हर जगह लोगों को एक लीडरशिप चाहिए कि कोई आके हमें बताए। तो ये सब लोग फ्रीडम ऐप पर तो हैं ही, वहाँ से सिखा रहे हैं, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, लेकिन TV के माध्यम से और भी लोगों को ये मैसेज मिलेगा कि आपको निराश नहीं होना है। आजकल जब बैंक या कोई कांस्टेबल की नौकरी का एडवर्टीजमेंट आता है तो 15,000 लोग पहुंच जाते हैं, मिलती है जॉब 15-20 लोगों को, बाकियों का क्या होगा। तो हमें ये मैसेज फैलाना है कि हर किसी के अंदर कोई यूनिक टैलेंट है, या कोई आपके अंदर मतलब अगर सिर्फ मेहनत करने की भी अगर वो है मतलब एबिलिटी कि भाई ठीक है मैं हार्ड वर्क करूँगा, मैं अपना जीवन बनाऊँगा, आप मेहनत से भी सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। ज़्यादातर काम ऐसे होते हैं जो आपको क्लास में कभी सिखाया नहीं जाता कैसे करना है, आपको अपने हाथों से करना है। जब आप उस बिज़नेस में आएंगे तो आपको 6-8 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल लग सकते हैं, बट इस प्रोग्राम के द्वारा और इस ऐप के द्वारा आपका वो टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि जो ये काम कर चुके हैं वो आपको सिखा रहे हैं। एक्चुअली तो ये बेवकूफ़ी की बात है कि वो अपनी सीक्रेट्स आपको दे रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मेरे जैसे अगर यू नो बहुत सारे लोग और आगे बढ़ेंगे तो देश का भला होगा। तो आई होप कि आप सब लोग प्रोग्राम को सपोर्ट करें, उसके बारे में लिखें, बताएं, जिससे कि लोग इस मुहिम में जुड़ें कि हम सब
कुछ कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। थैंक यू।